फटाक 30 सेकंड में खबरें, डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी, ये एक चीज नहीं है, ये दो अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। राहुल गांधी का यह बयान तो याद ही है ना आपको, जगह थी जयपुर, तारीख थी 12 दिसंबर और मंच था महंगाई की महारैली। माना जा रहा था कि इस रैली से कांग्रेस राहुल गांधी की रिलॉन्चिंग कर रही है और अब इसी पर कांग्रेस पार्टी ने एक सोशल मीडिया कैंपेन भी शुरू कर दिया है जिसका नाम है हिंदू हूँ हिंदुत्ववादी नहीं। कांग्रेस इसके तहत उन कामों को एक्सपोज करेगी जो बीजेपी ने अपने हिंदुत्ववादी छवि के नाम पर किए हैं। राहुल गांधी के हिंदू और हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर कांग्रेस ने बड़ा प्लान तैयार करने का फैसला किया है। देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में राहुल गांधी के हिंदू दर्शन को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई थी जिसे कांग्रेस ने अब हर राज्य में शिविर लगाकर दूर करने का निर्णय किया है। पार्टी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के एक्सपर्ट समझाएंगे कि राहुल गांधी के हिंदू और बीजेपी के हिंदुत्व में क्या अंतर है और जनता के बीच इस अंतर को कैसे लेकर जाना है। जयपुर में भी 26, 27 और 28 दिसंबर को इस तरह का शिविर आयोजित किया जा रहा है। जयपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर पद्मपुरा में यह शिविर आयोजित किया जाएगा जिसमें कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला और अजय माकन समेत इस विषय के एक्सपर्ट हिस्सा लेंगे। कांग्रेस संगठन के सभी नेताओं समेत चुने हुए कार्यकर्ताओं और प्रवक्ताओं को इस शिविर में बुलाया गया है। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा दिल्ली जाकर आए हैं। इस तरह के शिविर सभी राज्यों में आयोजित किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि राजस्थान सरकार के जलदाय मंत्री महेंद्र सिंह मालवीय ने दो दिन पहले ही हिंदू और हिंदुत्व को लेकर पूछे गए सवाल पर कह दिया था कि यह बड़े नेताओं की बात है, हमें समझ में नहीं आती। इसी तरह से कार्यकर्ताओं में भी कांग्रेस के हिंदू दर्शन और हिंदुत्व को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है जिसे समझाने और जनता में ले जाने के लिए इस तरह के शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि यह सदस्यता अभियान की तैयारी के लिए शिविर आयोजित कर रही है। महंगाई वाली महारैली से कांग्रेस केंद्र की मोदी सरकार को कितना घेर पाई और नतीजों में जनता पर महंगाई से कितनी राहत मिली उसका निष्कर्ष तो छोड़ ही देते हैं। हाँ, ये जरूर हुआ कि इस महारैली से कांग्रेस ने भी धर्म की उसी राजनीति में एंट्री मार ली जिसको लेकर वो हमेशा बीजेपी सरकार को घेरती रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।